साथियों नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं ये ट्राइबर है, आज हम इसका रिव्यू करेंगे। दरअसल रिव्यू इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये 3 साल पुरानी ट्राइबर है, 3 साल से 3 महीने अधिक हो चुके हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि 3.25 वर्ष बाद किसी ट्राइबर की स्थिति कैसी हो सकती है। जो भी नए लोग ट्राइबर खरीदने का विचार करते हैं उनके मन में एक बात निश्चित तौर से हमेशा रहती है कि लंबे समय तक ये गाड़ी किस प्रकार का परफॉर्मेंस देती है। तो आज का इस वीडियो देखने के बाद आपको ये समझने में आसानी होगी कि वास्तव में ये लंबी रेस का घोड़ा है या नहीं है। तो सबसे पहले तो आप इसका एक्सटीरियर देख सकते हैं, 3 साल बाद में भी ये एकदम से शोरूम कंडीशन है, यानी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि कोई छोटे मोटे स्क्रैचेस यहाँ आपको देख सकते हैं लगे हुए हैं, जैसे ये छोटा सा स्क्रैच है, इसी तरह का एक और छोटा सा स्क्रैच ये यहाँ पे लगा हुआ है, बस इतना ही इसमें प्रॉब्लम है यदि आप एक्सटीरियर देखें तो। इसके अलावा क्योंकि आपको बता दें कि ये जो है वो ट्राइबर का बेस मॉडल है, लेकिन दिखने में ये टॉप मॉडल की तरह दिख रही है क्योंकि इसमें बहुत सारी एसेसरीज है वो बाद में इंस्टॉल करवाई गई है। फ्रंट ग्रिल वगैरह आप देख सकते हैं, विभिन्न तरह की जो रूफ रेल्स वगैरह है वो सब बाद में कंपनी से ही लगवाई है, लेकिन वो बाद में लगाई गई है, इसलिए ये काफ़ी बेहतर दिखती है और टॉप मॉडल की तरह दिखती है। खैर वो हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा तो ये है कि ये 3 साल बाद में इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कंडीशन कैसी है, कितना कुछ इसमें कम ज़्यादा या माइनस प्लस क्या हुआ वो हम देखेंगे। तो यहाँ से आप एक्सटीरियर इसे देख ही पा रहे हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। हालांकि एक बार इसकी जो एक टेल लैंप है, जो रियर की लाइट है, वो डैमेज हो गई थी, उसको दोबारा लगाया तो वो, हालांकि इसमें कोई ज़्यादा दिखता नहीं है वो मामला, ये जो लाइट थी ये दोबारा लगवाई हुई है, नई लाइट लगाई हुई है, लेकिन दोनों में कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है। बाकी सब इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। अभी जो इसके टायर्स हैं वो भी कंपनी फिटेड ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये चली कितनी है ये महत्वपूर्ण है, इसी से इसकी कंडीशन है वो आपको पता चल पाएगी। तो बाहर से आप देख रहे हैं एक्सटीरियर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इस कार में नहीं आई है, या फिर ये मान सकते हैं कि इसकी बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं इसको 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में। 4 स्टार आमतौर पर काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, हालांकि भारत में कुछ टाटा और महिंद्रा की ऐसी गाड़ियां भी है जिन्हें 5-स्टार रेटिंग मिली हुई है, लेकिन इसे 4 स्टार मिली हुई है। जो मारुति सुजुकी की बहुत सारी कारों को 1 या 2 स्टार मिलते हैं उनसे ये बेहतर मान सकते हैं आप। ये 7 सीटर है ये भी आप जानते हैं, इंटीरियर भी देखेंगे, अंदर से देखेंगे कि इस कंडीशन 3 साल बाद कैसी रही है। ज़्यादातर जो व्यूअर्स हैं वो शायद इस कार के बारे में जानकारी रखते होंगे, क्योंकि शुरू में जब इसे नया खरीदा गया था तब हमने बहुत सारी बातें की थी इस कार के बारे में। चलिए इंटीरियर देखते हैं, इंटीरियर में इस तरह से जो है वो कंडीशन अच्छी है। जैसे इसकी आवाज़ की बात करें तो ये जब विंडोज़ ओपन करते हैं, डोर खोलते हैं, बंद करते हैं, तो भी एकदम से कोई ऐसी आवाज़ नहीं आती जैसे कोई कलपुर्जे ढीले हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पार्ट्स ढीले हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम अंदर आ चुके हैं, अंदर से भी आप देख सकते हैं शोरूम कंडीशन, ऐसा लग रहा है जैसे ये गाड़ी आपने आज ही खरीदी हो, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आफ्टर मार्केट हमने म्यूजिक सिस्टम है ये इंस्टॉल करवाया था, ये एसी वेंट्स वगैरह है, और ये ओवरऑल इसकी कंडीशन है आप देख सकते हैं, मैट वगैरह बाद में लगवाई हुई है ये तो आप जानते ही हैं। इसी तरह से अब इसको स्टार्ट करके भी देखेंगे कि इसकी आवाज़ वगैरह कैसी आती है, परफॉर्मेंस कैसी रही उसकी भी बात करेंगे, माइलेज कितना क्या दे रही है उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा रियर सीट पे जाके देखते हैं, हालांकि जो थर्ड रो है सीट की वो हमने निकाल दी है और घर पे रखी हुई है, क्योंकि इसमें ये भी सिस्टम है कि 7 सीटर है पर आप इसे 5 सीट के रूप में यूज कर सकते हैं, जो पीछे की सीटें हैं वो हटा भी सकते हैं, तो मैंने हटा दी है ताकि कोई सामान वगैरह लाने ले जाने में आसानी रहे। यहाँ ये हम रियर सीट पे आ चुके हैं, सीट कवर है वो बाद में हमने खरीदे थे कंपनी से ही, तो ये आप इसका रियर सीट है वो भी देख सकते हैं, रियर पार्ट है उसको भी देख सकते हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है।
पीछे भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 3 सालों में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम कोई आई हो इसकी बात करें तो 3 साल बीत चुके हैं, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आई है, कोई खर्चा नहीं हुआ। पेट्रोल गाड़ी है, 3 सर्विस तो इसकी फ्री थी, जो 4थी सर्विस थी जो 3 साल पूरे होने पर हुई उसकी बात करें तो 6,000 रुपये सर्विस चार्ज लगा। इसके अलावा 3 साल में हमारी जो बैटरी है गाड़ी की वो लगभग बैठ चुकी थी, बैटरी 3 साल बाद इसकी लगभग ख़त्म हो चुकी थी। हालांकि मुझे पता नहीं चल रहा था कि बैटरी ख़त्म हो रही है, लेकिन फिर भी एक बार ऑन रोड ही कहीं हम बैठे थे और उसके बाद बैटरी डाउन हो गई, थोड़ी लाइट चालू रहने के चलते 2-4 मिनट में फिर वो वापस तैयार नहीं हुई। तो फिर रोड असिस्टेंट जो इंश्योरेंस बीमा होता है वो इस गाड़ी का करवाया हुआ था, लिया जा क्रेन आई और इसे लेकर के गई शोरूम में, इसकी सर्विस भी हमने करवा दी जिसमें 6,000 का खर्चा आया और कुछ बैटरी थी वो नहीं लगवाई, और बैटरी नहीं लगवाई जो नई बैटरी का खर्चा है वो 5,000 रुपये लगे जिसमें पुरानी बैटरी ले ली गई 1,000 में और 4,000 रुपये जमा करवाए तो 5,000 में बैटरी आ गई। हालांकि कंपनी से नहीं ली क्योंकि कंपनी वाले 6,500 रुपये बैटरी के कर रहे थे और 600 रुपये इसके वापस दे रहे थे पुरानी बैटरी के, उसकी वजह से हमने बाहर से बैटरी ला करके वहाँ लगवाई है। और यदि माइलेज की बात करें तो गाड़ी क्योंकि 7 सीटर है, यदि 7 लोग या 6 लोग बैठ करके आप गाड़ी को ड्राइव करोगे तो 17, 18 या 16 तक का माइलेज आपको मिलेगा, वरना यदि आप 2000 RPM के आसपास गाड़ी चला रहे हैं 70-80 की स्पीड से आराम से गाड़ी चला रहे हैं तो ये 20 के आसपास का माइलेज देती थी। नई थी तब बहुत कम 15-16 का माइलेज देती थी, उसके बारे में हमने एक वीडियो भी बनाया था कि ड्राइवर कितना माइलेज देती है, उसे आपका आशीर्वाद भी मिला, खूब लोगों ने देखा। लेकिन वास्तव में अब जो ट्रू माइलेज है वो 20 के आसपास ही है और कंपनी भी ऐसा ही क्लेम करती है 20 के आसपास। तो यदि एक आइडियल स्थिति में चलाएं तो इसे 20 का माइलेज मिल सकता है, लेकिन जितने इसमें कम होंगे क्योंकि 1.0 लीटर का मामूली छोटा इंजन है इसलिए जितने इसमें जितना भार कम होगा उतना ये माइलेज बेहतर देगी, पिकअप अच्छा रखेगी। पेट्रोल गाड़ी है तो हालांकि पिकअप में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं दिखेगी। अब साथियों ये तो आपने इसकी एक्सटीरियर और इंटीरियर कंडीशन देख ली, अब चला के भी देख लेते हैं, इसे स्टार्ट करके देखते हैं कि इंजन की आवाज़ है, नॉइज़ है वो कितना कुछ आती है। जब हम इसके विंडोज़ डोर है वो खोलते हैं बंद करते हैं तो कोई एकदम से बढ़िया आवाज़ आती है, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। अब इसे हम स्टार्ट करके देखेंगे, अब ये इसकी कंडीशन बहुत अच्छी है। इसके पीछे का जो कारण है ना वो ये है कि ये आप मान के चलो कि बहुत कम चली है, भले ही इसको 3 साल हो गए हैं पर ये महज 20-22 हज़ार किलोमीटर चली हुई है। अभी स्टार्ट करके हम देख लेते हैं कि कितनी चली हुई है, ये देख सकते हैं आप 21,950 किलोमीटर चली हुई है, तो बहुत कम। आमतौर पर 1 साल में इतना लोग चला लेते हैं, पर क्योंकि मेरा जो वर्किंग पैलेस है वो घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है उसके चलते ये कम चली है, और बीच में कोरोना वगैरह जो आया था उसकी वजह से भी ये गाड़ी कम चली है। तो 21,950 ऑलमोस्ट 22,000 किलोमीटर चली है, और उसके बाद इसकी कंडीशन शोरूम कंडीशन है आप देख सकते हैं, हालांकि थोड़ा बहुत वाइब्रेशन भी होता है इसमें गाड़ी के। अब गाड़ी स्टार्ट है और थोड़ी बहुत इंजन में आवाज़ आती है, केबिन में आएगी वो तो आमतौर पर इस रेंज की गाड़ी में आती है, इससे ज़्यादा आती है, इसमें कम आती है समझ सकते हैं आप। फर्स्ट गियर में ये थोड़ा ज़्यादा आवाज़ करती है, उसके बाद ये इसके इंजन में आवाज़ ठीक ठाक या अच्छी रहती है। ये ग्लो बॉक्स है, अच्छी स्थिति में, कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। तो यदि आप एक ड्राइवर खरीद रहे हैं और उसे अपने सही हाथ में रखते हैं, यानी कि जो है वो इसकी केयरिंग करते हुए आप इसे ड्राइव करते हैं, तो निश्चित तौर से ये आपके लिए एक बेहतरीन सौदा हो सकती है। ये हालांकि बेस मॉडल है लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है बेस मॉडल से ही, फ्रंट में पावर विंडो मिल जाता है, इसे ठीक ठाक काम करती है, ऐसा नहीं कि स्टार्ट एसी चालू की और सब कुछ बेहतर हो गया, थोड़ा समय लेती है लेकिन फिर भी ठीक ठाक हो ही जाती है। तो यदि आप ड्राइवर खरीदने का विचार कर रहे हैं तो आपके लिए ये एक बेहतर सौदा हो सकता है, ऐसा हम मान सकते हैं। आशा करेंगे ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ड्राइवर के बारे में जो भी जानकारी आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके प्रत्येक प्रश्न का जवाब देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।